डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम प्राण के सेंस ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। प्राण में प्रमुख रूप से जो सेंस ऑर्गन होते हैं, पहला कंपाउंड आइज होती है इसमें, और दूसरे जो ऑर्गन होते हैं टैक्टाइल ऑर्गन जो स्पर्श करने का, ओल्फैक्ट्री ऑर्गन जो घ्राण से संबंधित होते हैं, स्मेल करने का कार्य करते हैं, और नेक्स्ट जो है स्टेटोसिस्ट या संतुलन बनाने का कार्य करते हैं वो। तो इस प्रकार इसमें चार प्रमुख सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं प्राण के अंदर, जो इसमें सेंस को महसूस करने का कार्य और उनके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने का कार्य करते हैं। सबसे पहले हम टैक्टाइल ऑर्गन के बारे में बात करते हैं, जिसको टैक्टाइल ऑर्गन या हम इसको कहेंगे स्पर्श ग्राही ऑर्गन। जो टेक्टाइल ऑर्गन हैं वो स्पर्श ग्राही होते हैं, और ये जो एंटीना और एंटीन्यूल्स होते हैं वहाँ पर जो है जो फिलर्स हैं उनमें ये पाए जाते हैं। इनको जो एंटीना और एंटीन्यूल्स के जो फिलर्स हैं उन पर टेक्टाइल सीटी लगे हुए रहते हैं, जिनको जो स्पर्श ग्रहण करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा भी जो प्राण के प्लियोपोड्स हैं वहाँ पर भी जो उसके एंडोपोडाइट और एक्जोपोडाइट हैं उन पर भी ये सीटी पाए जाते हैं, टैक्टाइल ऑर्गन पाए जाते हैं जो स्पर्श को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। टैक्टाइल ऑर्गन्स जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो प्राण के टैक्टाइल सीटी जो हैं, सी नंबर का जो डायग्राम है मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, ये जो एक पंख की भांति जो देख रहे हैं आप, ये टैक्टाइल ऑर्गन जो होते हैं टैक्टाइल सीटी हैं उसका डायग्राम है। टैक्टाइल सीटी के अंदर दो प्रमुख भाग पाए जाते हैं, एक तो साफ्ट होता है और दूसरा जो इसका भाग होता है आगे का उसको ब्लेड कहते हैं। साफ्ट वाला जो पार्ट होता है वो समीपस्थ फूला हुआ भाग, आधारी भाग होता है। जो नीचे का पार्ट देख रहे हैं आप, ये सॉफ्ट वाला पार्ट है, जो नीचे फूला हुआ संरचना दिखाई देता है ये सॉफ्ट है। तो जो टैक्टाइल सीटी है उसका सॉफ्ट वाला पार्ट जो आधारी भाग होता है उसको हम सॉफ्ट कहते हैं, और ये एक लचीली झिल्ली के द्वारा जो है त्वचा से जुड़ा हुआ रहता है। और दूसरा जो इसका ब्लेड वाला पार्ट है, आगे की तरफ जो नुकीला भाग पाया जाता है वो ब्लेड वाला पार्ट है, जो एक पतला स्वतंत्र सिरे वाला भाग है, और इस पे ऊपर जो है छोटे छोटे जो प्लूमेज जो होते हैं, पिच्छक जो होते हैं उनकी रेखीय पंक्तियां इसके ऊपर लगी रहती, और ये रेखीय पंक्तियां जो है स्पर्श को जो उद्दीपन होते हैं उनको ग्रहण करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट दूसरी संरचना जो डायग्राम डी दिखाई दे रहा है आपको, डी वाला भी सेम उसी प्रकार का, इसको हम ओल्फैक्ट्री ऑर्गन्स या ओल्फैक्ट्री जो घ्राण अंग है वो कहेंगे। तो जो ओल्फैक्ट्री ऑर्गन है वो जो एंटीन्यूल है उसके बीच में जो फिलर्स पाए जाते हैं उनकी जो खांच होती है उसके अंदर ये ओल्फैक्ट्री ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और ये ओल्फैक्ट्री ऑर्गन भी दो खंडों से निर्मित होते हैं, एक तो आधारी सेगमेंट जो इसका सॉफ्ट होता है जो नीचे की तरफ मोटा और फूला हुआ भाग रहता है, और दूसरा जो ब्लेड जो होता है चाकू का जो फलक है उसके समान के आकार की संरचना है जिसको हम ब्लेड या फलक कहते हैं। तो ये जो घ्राण अंग जो होते हैं एंटीन्यूल्स को जो नर्व आती है वो नर्व इन ऑर्गन्स में भी जाती है, और यहाँ से ये जो ओल्फैक्ट्री सीटी हैं उनको जाने का कार्य करती है। तो प्रमुख रूप से ओल्फैक्ट्री जो सीटी होती हैं उनका काम घ्राण संवेदनाओं को ग्रहण करने का होता है। नेक्स्ट अब आप देख रहे हैं जो ए डायग्राम दिखाई दे रहा है, वो ए डायग्राम एक जो एंटीन्यूल है उसका संपूर्ण डायग्राम दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो नीचे की तरफ आप देखें तो एंटीन्यूलरी नर्व्स हैं, और जो इसका ऊपर वाला सेगमेंट है उस पर स्टेटोसिस्टिक नर्व जा रही है, जो स्टेटोसिस्ट को जा रही है, जो गोलाकार बीच वाली संरचना है वो स्टेटोसिस्ट कहलाती है, और ऊपर का भाग इसको प्रीकोक्सा कहते हैं, और आगे की तरफ जो इसका रीजन होता है कोक्सा, फिर बेसिस, इस प्रकार से जो मैंने अपेंडिसेस में आपको पहले बता चुका हूँ।
तो ये एक संपूर्ण जो है एंटीन्यूल जो है उसकी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्टेटोसिस्ट पाई जाती है। स्टेटोसिस्ट क्या है? ये एक संतुलन बनाए रखने के लिए ऑर्गन्स जो प्राण के अंदर पाया जाता है उसको संतुलन पुटी भी कहते हैं या स्टेटोसिस्ट भी कहते हैं। कहाँ पे स्थित होती है? जो एंटीन्यूल है उसका प्री कोक्सा वाला जो भाग है उस पर ये पाई जाती है। ये खोखली और जो माला होती है उसके दाने के समान गोलाकार संरचना होती है, क्यूटिकल से निर्मित होती है, और इसका जो छिद्र है वो जो प्री कोक्सा होता है वहाँ पर आकर स्टेटोसिस्टिक एपरेचर के द्वारा बाहर खुलता है। इसमें जो संतुलन पुटिका होती है इसके अंदर जो दूसरा डायग्राम आप देख रखे हैं ये बी वाला डायग्राम, बी के अंदर इसको एनलार्ज करके बताया हुआ है। इसका टीएस है स्टेटोसिस्ट का जिसको काटकर जो ट्रांजर्व सेक्शन में देखा गया है, तो वो ट्रांजर्व सेक्शन में अगर हम स्टेटोसिस्ट को देखते हैं तो इस प्रकार की संरचना इसके अंदर मिलती है। इस स्टेटोसिस्ट के अंदर क्या होते हैं कि जो सूक्ष्म सैंड पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं, रेत के जो कण हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं, और ये पुटिका जो है पूरे एक रिसेप्टर सीटी द्वारा आस्तरित होती है। बाहर की तरफ जो आप देख रहे हैं स्टेटोसिस्टिक सीटी यानी कि मध्य में तो जो सैंड पार्टिकल्स हैं और इसके बाहर की तरफ स्टेटोसिस्टिक सीटी ये जो ग्राही सूक है वो उनके द्वारा ये आवृत होती है। और एंटीन्यूल की जो नर्व्स हैं वो इन यहाँ तक पहुँचती है यानी कि इन स्टेटोसिस्टिक जो सीटी है वहाँ तक ये नर्व जो प्रसंगिका तंत्रिका जो होती है वो यहाँ तक पहुँचती है। तो उससे क्या होता है कि जो संतुलन पुटी है वो जब इसमें डिस्टर्बेंस होता है तो वो स्टेटोसिस्टिक जो नर्व होती है वो संवेदनाओं को मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य करती है। तो इन जो तंत्रिकाएं हैं वो इन सूखों तक जाती है और प्रत्येक जो ग्राही सूख है वो दो भागों का बना होता है, एक तो फूला हुआ आधार भाग होता है जिसको साफ्ट कहते हैं और जो बीच में इसमें मुड़ी हुई जो संरचना होती है वहाँ पर महीन रोम पाए जाते हैं इसके अंदर। तो प्रमुख रूप से संतुलन पुटी का जो कार्य स्टेटोसिस्टिक का वो है बैलेंस बनाने रखने का या ओरिएंटेशन का प्रमुख कार्य इसका रहता है। अब ये कार्य कैसे करती है कि जब प्राण का जब बैलेंस गड़बड़ाता है तब इसमें क्या होता है कि जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो सैंड पार्टिकल्स में जब परिवर्तन होता है तो ये जो सीटी होते हैं सेंसरी सीटी होती है उनके ऊपर वो दबाव डालते हैं, इससे जो सीटी होती है वो एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और उससे जो बाहर तंत्रिकाएं जो जुड़ी हुई है उन तंत्रिकाओं के द्वारा संवेदनाएं मस्तिष्क तक पहुंचा दी जाती है। तो उससे क्या होगा कि जो मसल्स के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा जो संकुचन के द्वारा ये अपने बैलेंस को ठीक करने का कार्य कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो स्टेटोसिस्ट है उसमें अगर बैलेंस गड़बड़ाता है प्राण का तो ये सैंड पार्टिकल्स में इधर से उधर होते हैं तो जो बाहरी ऊपरी हिस्सा होता है स्टेटोसिस्टिक सीटी जो होते हैं वो उनके द्वारा नर्व जुड़ी रहती है और वो नर्व मस्तिष्क तक जाती है। तो इन पार्टिकल्स की हलचल के कारण जो संवेदनाएँ मस्तिष्क तक पहुँचती है और मस्तिष्क तक पहुँचने के बाद में वो अपने हिसाब से फिर उसको जो है अपना विन्यास को या ओरिएंटेशन को या संतुलन को प्राण ठीक कर लेता है। ये जैसा कि मोल्टिंग की क्रिया प्राण के अंदर पाई जाती है निर्मोचन की क्रिया, तो उस समय जो स्टेटोसिस्ट जो है उसको भी उतार दिया जाता है यानी कि जो निर्मोचन की क्रिया है उसमें नई स्टेटोसिस्ट का जो आवरण है वो निर्मित होता रहता है। तो ये प्रमुख रूप से जो संवेदांग है वो प्राण के ये तीनों जो संवेदांग इसके अंदर पाए जाते हैं वो डायग्राम सहित मैंने आपको बताया। ये वही चीज़ है जो आपको मैं बता चुका हूँ, सीटी में क्या पाया जाता है, एक तो साफ्ट वाला रीजन है और एक प्लूमोज वाला जो बाल्ब्स वाला रीजन है, इसी प्रकार ओल्फैक्ट्री जो है नर्व ओल्फैक्ट्री ऑर्गन और स्टेटोसिस्ट। अब हम चौथा जो प्रमुख इसका ऑर्गन है सेंसरी ऑर्गन वो है नेत्र। नेत्र कंपाउंड आइज इसके अंदर पाई जाती है, पेलिमोन के अंदर एक जोड़ी कंपाउंड आइज जो है पाई जाती है, और जो जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें
एक जोड़ी काले रंग की जो अर्धगोलाकार सेवरंत संरचना होती है जिसको संयुक्त नेत्र भी कहते हैं। ये संयुक्त नेत्र क्या एक छोटे द्विखंडीय संधियुक्त नेत्रवंत के ऊपर स्थित होती है जो मूवेबल स्टाक आई स्टाक होता है, यानी कि जिसको हम रोस्ट्रम के नीचे, अगर आपको इसका ध्यान हो प्राण का डायग्राम, अगर हम इसको देखते हैं कि रोस्ट्रम के नीचे की तरफ जो है आई स्टाक पाया जाता है और उस आई स्टाक के ऊपर ये कंपाउंड आइस पाई जाती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप इसमें देख रहे हैं कि ए डायग्राम हम देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ इसमें आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन है जो नेत्रवंत से जुड़ी हुई रहती है और ऊपर की तरफ इसमें आई है, कंपाउंड आई, और इसमें कॉर्नियल फेसेट्स हैं जो छोटे छोटे इसके अंदर ओमिटीडिया कई सारी छोटी इकाइयों से निर्मित होता है जिसको हम ओमिटीडिया कहते हैं या दृष्टि इकाइयाँ भी कहते हैं। और ये जो ओमिटीडिया हैं वो एक काइटिन के आवरण के द्वारा ढकी हुई रहती है जिसको हम कॉर्निया भी कहते हैं। अगर आप दूसरा डायग्राम ये टीएस देख रहे हैं, एलएस जो कंपाउंड आइज की है, वो दूसरा देख रहे हैं कि इसमें छोटे छोटे फेसेट दिखाई दे रहे हैं और अंदर की तरफ और उसके बाहर की तरफ जो है कॉर्निया का आवरण पाया जाता है, एक पारदर्शी आवरण है जो कॉर्निया जिसको कहते हैं। यहाँ पर ये जो क्यूटिकल या कॉर्निया जो है एक ग्राफ पेपर की तरह दिखाई देता है, ये सारे जो वर्गाकार फलक हैं वो इस तरीके से दिखाई देते हैं जैसे ग्राफ पेपर के अंदर जो फलक दिखाई देते हैं। ये फेसेट्स नीचे की ओर जो है ओमिटीडियम जो होता है उनमें स्थित होते हैं और एक अरीय रूप से ये विन्यासित सारे जो है ओमिटीडिया के अंदर विन्यासित रहते हैं। नेत्रांशक का जो संरचना के आधार पर इसको जो है दो रीजन के अंदर बांटा गया है, एक तो इसका डायोप्टरिक रीजन होता है और एक रिसेप्टर रीजन होता है। ये पेलिमोन का जो ओमिटीडिया है उसका एलएस है। संरचना के आधार पर और कार्यों के आधार पर हम अगर जो ओमिटीडिया है उसको देखें तो इसको प्रमुख रूप से दो रीजन के अंदर बांटा गया है। लेफ्ट साइड में आप देखिए कि जो इसका डायग्राम है ऊपर से नीचे तक एक रीजन में बांटा है, डायोप्टरिकल रीजन, और दूसरा जो रीजन है उसको कहते हैं रिसेप्टर रीजन, यानी कि एक तो अपवर्तन क्षेत्र है और दूसरा है ग्राही क्षेत्र। अब इसके अंदर जैसा जो ओमिटीडिया के अंदर जो संरचना मैंने आपको बताई थी कि जो नेत्रांशक है उनकी संरचना में जो फलक होते हैं उनके ऊपर की ओर जो कॉर्निया पाया जाता है और बीच का जो भाग होता है उसमें एक बाइकॉन्वेक्स लेंस का निर्माण होता है। नीचे की तरफ जो है कॉर्नियजन सेल्स पाई जाती हैं, डायग्राम में आप देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ, नीचे की तरफ इसमें कॉर्नियजन सेल्स पाई जाती हैं और ये कॉर्नियजन सेल ही कॉर्निया का सिक्रेशन करती है। आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो जो सबसे पहली चीज़ दिखाई दे रही है आपको कि कॉर्निया जो है बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, तो कॉर्निया का सिक्रेशन जो होता है कॉर्नियजन सेल्स के द्वारा ही किया जाता है। मोल्टिंग के दौरान ये जो है कॉर्नियजन कंपाउंड आइज की जो कॉर्नियजन क्यूटिकल है उसको भी जो है नवीनीकृत किया जाता है, यानी कि पुरानी जो सेल्स होती है उनको हटाकर उनकी जगह पे नई सेल का निर्माण हो जाता है। मोल्टिंग की क्रिया, इसको हम त्वक पतन भी कहते हैं कि जो आवरण होता है काइटिन का उसको उतारने का काम किया जाता है और उसकी जगह पर दूसरा आवरण आ जाता है, तो उसी क्रिया में ये सेल्स का भी रिनोवेशन होता रहता है। नीचे की तरफ इसमें जो कॉर्निया कॉर्नियजन सेल्स हैं वो कॉर्नियजन सेल नीचे की तरफ एक शंक्वाकार संरचना के ऊपर टिकती है, यानी कि कौन सेल्स पाई जाती है या इसको विट्रिली या क्रिस्टलाइन कौन भी जो नीचे है उसके ऊपर ये आकर टिकती है। नीचे की तरफ जो संरचनाएं आप देख रहे हैं वो कौन सेल्स हैं, तो जो कॉर्न सेल्स हैं वो उनके जो पीछे के सिरे होते हैं वो पतले और नुकीले होते हैं। ये जो नेत्रांशक का जो ग्राही भाग है यानी कि रिसेप्टर रीजन है उस पर आकर ये टिकती है। तो जो ओमिटीडिया का जो डायोप्टरिक जो रीजन है उसका प्रमुख कारण प्रमुख कार्य जो होता है वो जो प्रकाश की किरणें हैं
उनको ग्राही क्षेत्र के ऊपर फोकस करना, यानी कि जो नीचे वाला रीजन जो है उसके ऊपर फोकस करने का कार्य इस डायट्रिकल या अपवर्तन क्षेत्र का होता है। दूसरा रीजन जो देख रहे हैं आप, रिसेप्टर रीजन जिसको कहते हैं, ये जो डायप्टिक रीजन है उसकी अपेक्षा ये बड़ा होता है, और इसके ठीक डायप्टिक रीजन के ठीक नीचे जो है रिसेप्टर रीजन पाया जाता है। ये इसके अंदर जो है तर्कुरूपी लंबी छड़ के आकार की संरचना पाई जाती है जिसको रेबडोम भी कहते हैं। नीचे आप देख रहे हैं ये संरचनाएं जो छड़ के आकार की रोड लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं वो रेबडोम होता है। रेबडोम के बीच में आपको छोटी छोटी धारियां भी दिखाई देती है, और ये जो अपवर्तन क्षेत्र की जो कोन सेल्स है उनके पीछे की तरफ जो है ये पाया जाता है। इसके रेबडोम के चारों ओर 7 लंबी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको रेटिनल सेल्स भी कहते हैं। ये जो काली संरचनाएं आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर जो रेबडोम के बाहर की तरफ पाई जाती है वो रेटिनल सेल्स होती है। ये रेटिनल सेल्स ही जो क्या करती है, रेबडोम का सिक्रेशन करती है। रेबडोम का सिक्रेशन रेटिनल सेल्स के द्वारा होता है, और ये पीछे की तरफ जो है रेबडोम जो है एक बेसल मेम्ब्रेन या बेसमेंट के ऊपर जो है टिकी हुई रहती है। जो नीचे की तरफ जो रेटिनल सेल्स के नीचे बेसल मेम्ब्रेन है वहाँ पर ये टिकी हुई रहती है। तो जो पश्च सिरा है वो इन बेसल मेम्ब्रेन के ऊपर टिका हुआ रहता है, और ये जो बेसल मेम्ब्रेन है यहाँ से जो ऑप्टिक नर्व है वो ऑप्टिक नर्व मस्तिष्क तक जुड़ी हुई रहती है। तो ये जो ओमिटीडिया का जो कंपाउंड आइज का ये रिसेप्टर रीजन है ये पीछे की तरफ वाला ये रिसेप्टर रीजन कहलाता है। इसके जो ओमिटीडिया है उसमें और जो पास का जो ओमिटीडिया होता है उनके बीच में एक मूवेबल पिगमेंट सीथ पाया जाता है। ये मूवेबल पिगमेंट सीथ क्या है कि अमीबॉइड सेल से निर्मित होता है, और ये नेत्रांशकों के जो बीच में पिगमेंट सीथ के कारण ये दो अलग अलग भागों में विभक्त हो जाता है। इसमें एक तो रीजन जो ऊपर की तरफ है जो डायप्टिक रीजन में पाया जाता है उसको तो कहते हैं आयरिस पिगमेंट। जो ब्लैक वाली कोशिकाएं आप देख रहे हैं वो तो है आयरिस पिगमेंट, और जो नीचे की तरफ यानी कि जो रिसेप्टर रीजन के अंदर पाया जाता है वो है रेटिनल पिगमेंट। तो ये इसको कवर किए रखता है। ये जो मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रक्चर ऑफ ओमिटीडियम था कि दो रीजन्स में डायोप्टिकल रीजन और रिसेप्टर रीजन के अंदर जो है बांटा गया है इसका, और उसके कौन कौन सी सेल्स इसके अंदर पाई जाती है वो मैंने आपको बताया। कॉर्निया, कॉर्निएजन सेल, क्रिस्टलाइन कॉन, कॉन सेल्स या विट्रिली, रेबडोम, रेटिनुलर सेल्स और पिगमेंट सीथ जैसा कि मैंने लास्ट में अभी आपको बताया। अब हम बात करेंगे कि इसकी जो कंपाउंड आइज है उनकी मैकेनिज्म क्या है, वो किस प्रकार से कार्य करती है। कंपाउंड आइज जो छोटे छोटे ओमिटीडिया से निर्मित होता है जिनको हम फैसेट्स भी कहते हैं या ओमिटीडिया कहते हैं, दृष्टिकाई कहते हैं, ये जो ओमिटीडिया होते हैं वो जो नेत्रांशक में जो वस्तु दिखाई देती है उसके छोटे भाग का प्रतिबिंब बनाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि जो किसी वस्तु को जितने नेत्रांशक मिलकर देखते हैं उतने ही टुकड़ों में इसका प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जितने ओमिटीडिया उस वस्तु को देख रहे हैं उतने ही छोटे टुकड़ों में इसका जो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो प्रतिबिंब के छोटे जो भाग होते हैं वो एक इस तरीके से जुड़े रहते हैं जैसे कि फर्श के बीच में फर्श पर जो टाइलें जुड़ी रहती है, और उनका एक स्ट्रक्चर बनता है मोजेक विजन, इसलिए इसको हम मोजेक दृष्टि या मोजेक विजन कहते हैं। ये जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, प्रकाश की जो तीव्रता है उसके अनुसार ये विजन जो है बदलता रहता है। इस लाइट के आधार पर ही जो है इसको हम दो भागों में बांटते हैं कि जो तेज प्रकाश के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है उसको तो एपोजिशन इमेज कहते हैं, और जो कम प्रकाश के अंदर या मंद प्रकाश के अंदर या अंधेरे के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम सुपर पोजिशन या अध्यारोपण प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसकी हम मैकेनिज्म देखेंगे कि जो एपोजिशन इमेज है
उसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से कार्य करती है। ये डायग्राम आपको जो है दो प्रकार का जो विजन है, एपोजिशन या इसको हम कहेंगे मोजेक इमेज, और दूसरा बी प्रकार का जो डायग्राम देख रहे हैं आप उसको कहेंगे सुपरपोजिशन इमेज या अध्यारोपण इमेज। जो पहला ए डायग्राम है उसमें ये शो हो रहा है कि जो एपोजिशन इमेज है वो तीव्र प्रकाश के दौरान ये इमेज बनती है, और इसमें जो पिगमेंट सेल्स होती हैं वो इस तरह से जो है प्रसारित हो जाती है कि वो जो पास का जो ओमिटीडिया है वो पड़ोसी जो पास का जो ओमिटीडिया है को एक दूसरे से ये पृथक कर देती है, यानी कि बीच में वो पिगमेंट सीट आ जाती है जिससे जो पास का जो ओमिटीडिया उसको पृथक करने का कार्य करती है। तब यहाँ पे क्या होगा कि जो पिगमेंट सीट है वो जो प्रकाश अवशेषी पर्दों की तरह कार्य करती है और ये ओमिटीडिया के बीच में फैली रहती है, तो जो ओमिटीडिया है वो एक दूसरे से पूर्णतः अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से जो प्रकाश की जो किरणें आती हैं, यानी कि भिन्न भिन्न कोणों से प्रकाश की किरणें जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रही है वो अगर कॉर्निया पे गिरती है तो यहाँ पर जो पिगमेंट सेल्स हैं वो उनके द्वारा वो अवशोषित कर ली जाती है और एक ओमिटीडिया से दूसरे ओमिटीडिया में प्रवेश नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले जो डायग्राम है एपोजिशन के अंदर कि एक ओमिटीडिया से दूसरे में वो प्रवेश नहीं करने दे रही है, तो जो किरणें प्रकाश के किरणें आती है वो केवल वे ही किरणें उनका ही प्रतिबिंब बन पाता है जो कॉर्निया के ठीक केंद्र में से होकर सीधी गुजरती है, यानी कि सीधी जो किरणें आ रही है उसका तो प्रतिबिंब जो है बनेगा, बाकी जो तिरछी किरणें जो आ रही है और क्षेत्रों से भी उनका प्रतिबिंब जो है उसमें नहीं बनेगा। तो जो सीधी किरणें आई है उसका एक छोटा प्रतिबिंब बनता है। इस तरीके से जो ओमिटीडिया के अंदर विभिन्न जो वस्तु के छोटे छोटे प्रतिबिंब बनते हैं वो मिलकर एक संपूर्ण प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं, और ये प्रतिबिंब छोटे टुकड़ों में जरूर बनता है, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, मोज़ेक विजन कहते हैं, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और इस प्रकार से जो प्रतिबिंब है उसमें जो उसकी स्पष्टता है वो प्रकाश की तीव्रता के ऊपर निर्भर करती है। यहाँ पर जो विजन है वो टुकड़ों में तो बन रहा है लेकिन वो साफ बनता है, इसलिए इसको हम एपोजिशन या मोज़ेक विजन कहते हैं। दूसरा विजन सुपरपोजिशन इमेज का है। सुपरपोजिशन इमेज, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये रात्रि के अंदर या मंद प्रकाश की जो अवस्था है उसके अंदर ये विजन बनता है, सुपरपोजिशन या अध्यारोपण विजन इसको हम प्रतिबिंब कहेंगे। यहाँ पे जो पिगमेंट सेल्स है वो संकुचित होकर जो ओमिटीडिया है उसके निचले भाग में एकत्रित हो जाती है, वहाँ पे तो फैल कर ये अलग हो गई थी एपोजिशन में, यहाँ पे सुपरपोजिशन में जो पिगमेंट सीट है वो नीचे नेत्रांश के निचले भाग में एकत्रित हो जाती है, उससे जो पड़ोस का जो ओमिटीडिया है वो आपस में संपर्क में आ जाते हैं। तब उससे क्या होगा कि जो प्रकाश की किरणें कॉर्निया पर टकराती है वो सभी किरणें इमेज बनाने की कैपेसिटी रखती है, लेकिन जो विभिन्न कोणों से जो किरणें आ रही है वो भी जो है उस ओमिटीडिया के द्वारा जो है अवशोषित कर ली जाती है, और जो बीच में जितने भी कोणों से वो लाइट आ रही है वो सब नेत्रांशकों में ओमिटीडिया में चली जाती है। तो इस प्रकार जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब वस्तु के सामने पड़ने वाला केवल उसके नेत्रांश के सामने पड़ने वाले भाग का ही नहीं बनता, बल्कि जो दूसरे नेत्रांशकों से आ रहा है उसका भी प्रतिबिंब जो है वो बनता है, यानी कि एपोजिशन में तो जो मध्य में से आ रहा है ठीक उसी का प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे पिगमेंट सीट के नीचे बैठ जाने के कारण ओमिटीडिया आपस में एक दूसरे के संपर्क में आ गए और जो सामने से आ रहा है उसका भी प्रतिबिंब बन रहा है, जो साइड में से आ रहा है उसका भी प्रतिबिंब बन रहा है, तो आड़ा टेढ़ा तिरछा सभी दिशाओं में जो प्रतिबिंब आ रहा है वो छोटे छोटे टुकड़ों में ना बनके एक कंटिन्यूस इमेज या ओवरलैपिंग इमेज इसके अंदर बनती है, इसलिए इसको ओवरलैपिंग या सुपरपोजिशन या अध्यारोपण प्रतिबिंब जो है इसको कहते हैं। इस प्रतिबिंब में क्या होता है कि ये केवल उस वस्तु का आभास मात्र देता है, क्योंकि इसका प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता, ओवरलैप हो जाता है, इसलिए ये इस प्रकार का जो सुपरपोजिशन इमेज है वो स्पष्ट नहीं होता।
थैंक यू।